द खालस टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस के नाल मैं पुनीत कौर। अज दी खास खबर शुरू करन तो पहला पेश है अज दा खालस विचार। जिंदगी च खुश रहन दा तरीका है कि बंदे नू किसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिदी। हुण पेश ने अज दी खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पंजाब, बठिंडा, गिद्दड़बाहा, मलोट, अबोह नैशनल हाईवे नंबर 7 सवेरे 9 तो बाद दोपहर 3 बजे तक किया गया बंद। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने मोदी सरकार दे फूके पुतले, क्या प्रधानमंत्री नू पंजाब च रैलियां करन दा नहीं है कोई भी हक। कोरोना महामारी कारण तकरीबन 2 सालां तक बंद रहन तो बाद दिल्ली च मुड़ खुले कॉलेज। कर्नाटका के उडुपी जिले च एक सरकारी कॉलेज विच पढ़ रही 60 आखिरी साल दियां विद्यार्थिनां नू उन्हां वल्लों हिजाब उतारन तो इनकार करन तो वापस भेजिया घर। मुख्यमंत्री चन्नी खिलाफ बिहार च दर्ज होया केस, लोगों नू धमकाउण अपमानित करन दे लगे ने दोष। 24 फरवरी नू होवेगी केस की अगली सुनवाई। यूपी बिहार के लोगों खिलाफ बयान देने तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिती सफाई, क्या मैं प्रवासियों की गल नहीं की सी, वो तो विकास करते ने, पंजाब च पिछले दरवाजे और राज करन दी कोशिश करन वाले लिए वरत्या सी बहिया शब्द। कांग्रेसी जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने चन्नी के पक्ष च की टिप्पणी, चन्नी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारे कर रहे सन गल। नरेंद्र मोदी ने भी चन्नी के बयान की की निंदा, किया कि तुसी संत रविदास जी नूं कढ देवोगे, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कित्थे होया सी, ए भी कीता सवाल। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी चन्नी के बयान की की निंदा, किया राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी नूं चन्नी दियां वंडियां पाउण वालियां टिप्पणियां का देना चाहिए जवाब, मायावती ने भी इसनूं शर्मनाक दिता करार। संयुक्त समाज मोर्चे ने केजरीवाल खिलाफ़ चोण कमीशन की शिकायत, केजरीवाल से फिरकू ते फुट पाऊ बयान देने दे लगे ने दोष। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया च किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसिया तंज, क्या यह लोग पंजाब नू तोड़न दा सुपना पाले हुए ने, कांग्रेस उत्ते भी कसिया निशाना, क्या इतिहास गवाह कांग्रेस ने किसानों नू दिता है सिर्फ धोखा। मैं तो चाहता है कि दल बदलिए खिलाफ बने दिल्ली च कानून, प्रकाश सिंह बादल ने दिता बयान। कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पठानकोट च बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ते कसे निशाने, क्या ये किवें समझणगे पंजाबीयत, एक वड्डे वड्डे उद्योगपतियां अगे झुकिया दूजा सत्ता लई किसे होर अगे झुक जाएगा। पटियाला प्रशासन वालों धारा 144 का हवाला दे के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार भगवंत मान नूं चोण प्रचार करन तों रोकिया गया। इतिहास से दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते, साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी ते कसिया निशाना, पंजाब दे लोकां नू कांग्रेस नू चुनन दी कीती अपील। कांग्रेसी आगू मनीष तिवाड़ी ने पार्टी छड्डन दीआं चर्चावां बारे दित्ता स्पष्टीकरण, क्या असी कांग्रेस च कोई किराएदार नहीं हिस्सेदार हाँ। विधानसभा हलका बरनाला तो टिकट ना मिलन तो नाराज चल रहे साबका विधायक केवल सिंह ढिल्लों नू कांग्रेस ने पार्टी चो कढ़िया बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी दे शिकोहाबाद च एक चोण जलसे नू कीता संबोधन, लोगों नाल कीते कई चोण वादे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के लोगों लिए प्राइवेट सैक्टर दियां नौकरियां चो 75% कोटे के फैसले ते हाईकोर्ट की रोक नू हटाया, पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ते रोक लगाउंदिया हाईकोर्ट नू महीने के अंदर इस मामले का फैसला करन दे दित्ते निर्देश। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की साबका मैनेजिंग डायरैक्टर अते मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण ते होरां कई जाणियां दे टिकाणियां ते आमदन कर विभाग ने की छापेमारी, टैक्स चोरी के संबंध च मारे गए छापे। रूस का सीमा तो फौजियों नू वापस बुलाउण दा दावा है गलत, अमरीका ने दिता बयान। भारत ने यूक्रेन की स्थिति नू देखदिआं दोवां देशां विचाले उडाणां की संख्या ते लगी पाबंदी नू हटाया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संसद मैंबर शहरी रहमान ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री नूर उल हक कादरी वालों औरतों दी रैलियों से पाबंदी लगाने को लेकर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखे पत्र च जाहिर की चिंता। हेडलाइंस वेखन वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।